Welcome home decorate art and craft. हेलो गाइस, आई एम श्रुति एंड आई वुड लाइक टू शेयर न्यू होम डेकोर आइडिया जो कि हम बनाने वाले हैं केक के बेस से। आप लोगों के घर में अक्सर केक तो आता ही होगा, पर केक कट करने के बाद आप इस बेस को फेंक देते होंगे। पर इस वीडियो को देखने के बाद अब आप ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि इस बेस से हम बनाने वाले हैं एक सुंदर सा वॉल डेकोर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, इस वॉल डेकोर को बनाने के लिए आपको वॉल पुट्टी में थोड़ा सा पानी मिलाना होगा और उसे ब्रश की हेल्प से मिक्स करना होगा। फिर इस पेस्ट को आपको केक के बेस के उल्टी तरफ आपको लगा लेना होगा। गाइस, जब ये सूख जाए तो आपको सैंड पेपर लेना है और उसकी हेल्प से इसे स्मूथ कर लेना है। स्मूथिंग के बाद आप इस पे जो भी डिज़ाइन बनाना चाहो बना सकते हो। गाइस, आप सेम मेथड का यूज़ करके कोई और डिज़ाइन भी बना सकते हो। हम इस पे क्ले वर्क करेंगे। क्ले वर्क के लिए मैंने फेविक्रिल का मोल्डेड एयर ड्राई क्ले लिया है। अब आप इस क्ले के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। इस क्ले को आप जैसे मैंने रोल किया है ऐसे आप पतला पतला रोल करके आप बहुत सारे ऐसे ही रोल कर लीजिए, क्योंकि हम इन से जो ट्री है उसकी रूट्स और उसके जो ब्रांचेस हैं वो बनाने वाले हैं। क्ले को इसमें पेस्ट करने से पहले आपको थोड़ा थोड़ा ग्लू इन पे लगाना होगा और फिर ये जो क्ले है ईजीली इस पर पेस्ट हो जाएगा। आपको जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है आप उसे नाइफ की हेल्प से कट कर लीजिए। गाइज, आपको सारे ब्रांचेस ऐसे ही बनाने हैं और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट हो या तो उसे कट कर लीजिए या फिर जैसे मैंने किया है उसे रोल करके आगे बढ़ा दिया है और उसे रूट्स में कन्वर्ट कर दिया है। आप भी ऐसा कर सकते हैं या फिर या तो उसे कट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाइज, जब ये सूख जाए तो आपको कुछ हाइलाइट्स करने होंगे, वो आप नाइफ़ की हेल्प से कर सकते हैं। जो भी मैंने डिज़ाइंस बनाए हैं उसमें आपको कुछ कट्स लगाने होंगे, कुछ डिज़ाइंस बनाने होंगे, जैसे कि रियल ट्री में होता है तो आपको वैसा ही शो कर। गाइज, अब हम कलरिंग स्टार्ट करते हैं। कलरिंग के लिए जो बैकग्राउंड कलर है वो आपको पहले ही कर लेना होगा। जब आपका बैकग्राउंड कलर कम्प्लीट हो जाए उसके बाद ही आप आगे की कलरिंग स्टार्ट करें। गाइज, आपको अगर मेरा वॉल डेकोर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। लीव्स हमें कैसे बनाना है तो आपको सेम मेथड से जो क्ले है उसको आप मिक्स कर लीजिए और बेलन की हेल्प से इसको रोल कर लीजिए। और इसे ना ही ज़्यादा मोटा बेलना और ना ही ज़्यादा पतला, जैसे जितनी थिकनेस मैंने रखी है उतनी ही आप रखिए। अब आप लीव कटर की हेल्प से लीव कट कर लीजिए जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। गाइज, अगर मेरा आर्टवर्क आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों को शेयर करें। गाइज, बड़े लीव्स तो हमने लीव कटर से बना लिए, पर हमें छोटे लीव्स भी चाहिए होंगे। तो छोटे लीव्स के लिए हम जो क्ले है हमारे पास उसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे और उन बॉल्स को हम एक ड्रॉप शेप में इसे रोल करेंगे और प्रेस करेंगे लीव कटर की हेल्प से। इस मेथड से आप जितना भी छोटा चाहे उतना छोटा लीव बना सकते हैं। गाइज, मैंने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इतने सारे लीव्स कट कर लिए हैं। गाइज, आप लीव्स को पेस्ट कर लीजिए ग्लू की हेल्प से। गाइज, अब हम ट्री पे कलरिंग स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने ब्लैक कलर लिया है। आपको पूरी ट्री पर ब्लैक कलर ही करना है, चाहे वो लीव्स हो, चाहे ब्रांचेस, चाहे रूट्स, सब पे आपको ब्लैक कलर ही करना है। गाइस, अब जो भी स्पेस बच गया है उस पे आप जो बैकग्राउंड कलर है वही कलर करना है हमें, जो कि स्काई ब्लू कलर है। पूरे बैकग्राउंड पे आप सेम कलर कर लीजिए। गाइस, अब फाइनल टच के लिए हम गोल्डन कलर का हाईलाइट यूज़ करेंगे और पूरे ट्री पे इसे लगाएंगे
पूरी ट्री पे आप इसे ब्रश की हेल्प से या फिर अपनी उंगलियों की हेल्प से भी लगा सकते हैं। मैं इसे उंगलियों की हेल्प से लगा रही हूँ क्योंकि उंगलियों से काफ़ी ईजी होगा आपके लिए। गाइज़ आप इसे ज़रूर ट्राई करें, ये बनने के बाद काफ़ी एंटिक लुक देता है और ये आपकी घर की डेकोरेशन में चार चांद लगा देगा। गाइज इट्स रेडी, आई होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।